हेलो कॉमरेड फैमिली, सो वेयर आई एम नारा फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा था। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो आपको जानने जरूरी है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने से पहले। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स जो है प्रोबेबिलिटी में जो यूज होती है, आपको वो पहले समझ आनी जरूरी है। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होने वाले हैं, एंड आपने अगर मेथड्स और फॉर्मूलेस देखे हैं देन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन अनबियास डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब यहाँ पर बोला है कि एक डाइस है, डाइस मतलब लूडो वाला जो होता है, ठीक है, आपको जिसमें नंबर इस तरीके से गिवेन होते हैं। तो एक डाइस थ्रो किया, अब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंट्स आपको क्या क्या दे रखे हैं। नंबर ऑफ डॉट्स इज लेस देन 3, जो डॉट्स होंगे वो 3 से कम होने चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा केस आपको गिवन है, द नंबर ऑफ डॉट्स इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो यहाँ पर 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एन अनबियास्ड मतलब एक डाइस है, ठीक है। तो एक डाइस है, उसके दो हमें क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर दो केस दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट केस में हमें यहाँ पर क्या बोला है कि जहां पर नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 3 से कम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर सैंपल स्पेस लें एक डाइस का, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है फर्स्ट वाले में। अगर डाइस आपने देखा होगा तो 1 से लेके 6 तक डॉट्स उस पर गिवन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, मींस कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लोगे तो नंबर कितने आ गए, 6 आ गए, सैंपल स्पेस की वैल्यू आ गई। अब इवेंट देखते हैं, तो इवेंट हमें यहाँ पर क्या बोला है, इवेंट बोला है कि लेस देन 3 होने चाहिए जो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, ठीक है। तो लेस देन 3 कितने होंगे वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट, ठीक है, इवेंट जो है वो हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक। अब इवेंट में यहां पर क्या बोला है कि लेस देन 3 डॉट्स होने चाहिए। तो लेस देन 3 डॉट्स हमारे कौन कौन से होंगे, लेस देन 3 डॉट्स हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट का हो जाएगा, एक सेकेंड का हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा, ठीक है, एन ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे यहां पर 2 आ जाएंगे। अब हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ इवेंट्स हमने निकाला है कि जो नंबर 3 से कम होंगे, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 से कम डॉट्स होंगे, तो 3 से कम डॉट्स कितने होंगे, 2 होंगे। एंड सैंपल स्पेस कितना है, टोटल जो आ सकते हैं, अगर आप कोई डाइस थ्रो करते हो तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो जो नंबर्स आ सकते हैं वो हमारे कितने हैं, 6 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.33, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी कि यहां पर अगर कोई भी डाइस लेते हैं उसमें 3 से कम नंबर आते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला केस, देन हम करेंगे सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या बोला है, द नंबर ऑफ डॉट्स इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो यहां पर हमारे 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो या तो 3 होगा या 6 होगा, यही दो नंबर डिवाइड हो सकते हैं 3 से, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सो फॉर्मूला तो हमारा सेम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स लिख लेते, सो लेट बी डिनोट इवेंट, ठीक है, सेकेंड इवेंट जो हमें गिवेन है वो बी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ बोला है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल होगा 3 या फिर 6, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 3 या 6, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा,
नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना आएगा, टू आएगा, वन और टू. सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा, है ना, सैंपल स्पेस तो सिक्स जो है वही रहेगा, क्योंकि आप किसी भी डाइस को थ्रो करते हो तो सिक्स ही आएगा. तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारा सेम रहने वाला है. अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी वाले इवेंट की. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर हमारा टू आया है और सैंपल स्पेस सिक्स था. इट मीन्स ये भी हमारा सेम आ जाएगा. ठीक है, ये मतलब एक ऐसी चीज है जो आपकी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए. यहाँ पर आपको दो केस ऐसे दे रखे हैं जिसमें उसमें आपका सेम आया है. सो इसका भी हमारा आ जाएगा 0.33 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नंबर ऑफ फर्स्ट वाला इवेंट का जो है वो लिख लिया हमने, एंड नंबर ऑफ फर्स्ट सैंपल स्पेस जो है वो लिख लिया. सैंपल स्पेस दोनों में सेम रहेगा. सेकेंड वाले में बोला था नंबर ऑफ इवेंट जो है वो लिख लिया, उसके बाद सैंपल स्पेस लिख लिया. आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So here is our next question. Three unbiased coins are tossed at a time. Find the probability that exactly two head turns up and second at most two head turns up. यहाँ पर बोला है कि three coins, ठीक है, तीन coins को toss किया जा रहा है. तो तीन coin को जब हम toss करते हैं तो उसमें sample space क्या होगा and जो events पूछे हैं उनकी probability कैसे आएगी. So question समझ में आ गया, start करते हैं इसका solution. ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं हम, ए वाला. ठीक है, तो तीन कॉइन्स है यहाँ पर. अब तीन कॉइन्स का सैंपल स्पेस यहाँ पर कितना होगा, तीन कॉइन्स का अगर आप देखोगे हेड 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 इस तरीके से, हेड टेल हेड इस तरीके से हम निकालेंगे पहले. सो यहाँ पर सैंपल स्पेस जब निकालेंगे तो देखो एक केस तो हो जाएगा कि तीनों में हेड हेड आ जाएगा. ठीक है, हेड हेड आ गया. एक केस हो जाएगा तीनों में टेल टेल आ गया. ठीक, दूसरा केस हो जाएगा हेड टेल हेड हो गया. ठीक है, तीसरा केस हो जाएगा हेड हेड टेल हो गया. चौथा केस हो जाएगा टेल टेल हेड हो गया. ठीक है, एंड टेल हेड टेल हो गया. देन नेक्स्ट हो जाएगा टेल हेड हेड एंड हेड टेल टेल. ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा सैंपल स्पेस एट. ठीक है, ये हमारा एट आ गया. अब यहां पर हम निकालेंगे इवेंट क्या दे रखा है. एग्जैक्टली टू हेड टर्न्स अप, एग्जैक्टली टू हेड होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा. तो पहला केस आप देखोगे तीन हेड है, कैंसिल हो गया. दूसरे वाले में हेड है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया. तीसरे वाले में देखोगे दो हेड आपको गिवेन है, तो ये आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट हो गया. उसके बाद फोर्थ वन में भी आपको दो हेड गिवेन है. उसके बाद फिफ्थ वाले में सिर्फ एक हेड है, फिर वन हेड है, फिर टू हेड एंड वन हेड. तो यहाँ पर अगर आप टू हेड वाला देखते होगे, एग्जैक्टली टू हेड का, ठीक है, तो एग्जैक्टली टू हेड ये वाला केस हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको तीन मिल रहे हैं. ठीक है, जो आपका इवेंट निकल के आएगा वो थ्री आएगा. ठीक, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा लेट ए डिनोट नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स. अब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे कितने आ रहे हैं, देखो पहला तो हो जाएगा हेड टेल हेड, दूसरा हो जाएगा हेड हेड टेल एंड तीसरा हो जाएगा टेल हेड हेड. अब इसमें आप देखोगे तो दो दो हेड निकल के आ रहे हैं. यही तो बोला था आपसे कि दो हेड कम से कम आने चाहिए. ठीक है, तो दो हेड आ रहे हैं. इट मींस कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा. सो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी थ्री. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. तो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आया हमारे पास, थ्री आया, एंड सैंपल स्पेस का कितना आया, एट आया. सो यहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री अपॉन ए. ठीक है, अब निकालते हैं बी वाले केस का. अब देखो बी केस में हमारी जो सैंपल स्पेस है सेम रहेगा सैंपल स्पेस. ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट देख लेते हैं. यहां पर बोला है मोस्ट टू हेड, तो मोस्ट टू हेड में क्या आएगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं बी से. लेट बी डिनोट नंबर ऑफ इवेंट. ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट. अब देखो यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ इवेंट आ जाएंगे, मोस्ट टू हेड बोला है. सो टेल वाला जो है जिसमें सारे टेल है वो हमारा नहीं आना है, बाकी सारे आ जाने. ठीक है, हेड हेड आ जाएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड हेड टेल एंड देन टेल टेल हेड एंड देन टेल हेड टेल एंड टेल हेड हेड एंड देन हेड टेल टेल. ठीक है, सो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ इवेंट सेवन.
ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट यानी कि नंबर ऑफ बी जो है वो आ गया 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला वही पुट करना है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ इवेंट आया 7 एंड सैंपल स्पेस का आया 8, तो यहां पर जो बी वाले इवेंट का आ जाएगा वो आ जाएगा 7/8। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालेंगे। बस आपको जो चीजें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉइन का हो जाएगा एंड डाइस का हो जाएगा, ठीक है, और कार्ड्स का हो जाएगा, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें दोनों केस निकाले थे, दोनों केस निकाल लिए, आई होप क्लियर हो गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर स्पेड कार्ड्स। अब देखो कार्ड्स अगर आपने देखे हैं देन वेरी गुड, आपको पता होगा कैसे कैसे होते हैं। नहीं देखे हैं तो जाके एक टेबल चेक कर लेना, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 में से आपके जो रेड और ब्लैक होते हैं, हाफ जो है वो रेड होते हैं, हाफ जो है वो ब्लैक होते हैं, तो आधे जो है 52 में से वो ब्लैक होंगे, आधे जो है वो रेड होंगे। अब इसमें आपके कुछ टाइप्स होते हैं कि रेड में ब्लैक में किस तरीके के होंगे, सो इसमें आपके शेप्स होते हैं, एक हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट शेप के होते हैं, डायमंड शेप के होते हैं, एंड कुछ होते हैं स्पेड के, ठीक है, एंड एक और होता है यहाँ पर, तो 13 13 यहाँ पर गिवेन होते हैं। अब हमें यहाँ पर किसका बोला है, स्पेड का बोला है, तो स्पेड ये वाला होता है, ठीक है, स्पेड का हम चेक करेंगे। अब देखो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, एंड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर हमें सैंपल स्पेस का नंबर लेना है, ठीक है, एंड उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, अभी फॉर्मूला हमने देखा था एनसीआर का, ठीक है, NCR का लगाएंगे। अब इसमें N की वैल्यू यहां पर क्या होगी, N की मैंने बताया था कि टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है 52, R मतलब हमको जितना लेना है, ठीक है, हमें जितना बोला है कि इतना सेलेक्ट करना है, इतना निकालना है, तो यहां पर हमें कितने बोले, 3 बोले, ठीक है, सो R की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, सो यहां पर हमारा आ जाएगा 52 एंड सी एंड आर की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो किस तरीके से इसको लगाना है, आप देखो इसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, यहां पर आएगा हमारा n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम यहां पर वैल्यूज लगाएं, n हमारा क्या है 52 है, तो 52 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहां पर कैसे आ जाएगा, 51 × 51 × 50 अपॉन 3 × 2 × 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा 22,100। ठीक है, 22,100 ये हमारा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, उसके बाद हम देखेंगे इवेंट। ठीक है, इवेंट यहां पर क्या बोला है, सो इवेंट अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, सो यहां पर कितना आएगा, स्पेड कितने निकालने बोले हैं, 3 बोले, एंड टोटल स्पेड जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल स्पेड यहां पर होते हैं 30। ठीक है, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने को बोला है कि ऑल 3 आर स्पेड कार्ड्स, कोई भी जो निकालेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी स्पेड होनी चाहिए 3 कार्ड्स की। अब देखो टोटल स्पेड 13 है, यहां पर फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट्स लगाते हैं पहले, एन सी आर, यहाँ पर टोटल जो रहेगा 13 रहेगा, ठीक है, एंड आर की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी, तो यहाँ पर इसका इस तरीके से आ जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन इसमें आ जाएगा 3, तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 13 का आपका इस तरीके से आ जाएगा 13 × 12 × 11 अपॉन 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 286, जब मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर्स की डिवाइड करेंगे, सो इसमें आ जाएगा 286। अब देखो दोनों चीजें हमारे पास आ गई, सैंपल स्पेस भी आ गया और इवेंट भी आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट आया है तो उसमें हम लगाते हैं, यहां पर हम लगाएंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स जितना आया है एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमने यहाँ निकाला 286 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाला 22,100। सो यहाँ पर लगा देंगे 286 हमारे नंबर ऑफ इवेंट आ गया एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 22,100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, देन हमारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा।
सो अगर हम इसको डेसिमल में निकाल दें, सो इसका डेसिमल में आ जाएगा 0.0129, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड करके इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड डेसिमल में लिखना है तो 0.0129 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमें कार्ड्स का निकालना है, और वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स है, उसमें आपको बोला है कि 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब आप उसमें हाथ डालते हो, 2 बॉल्स कोई सी भी निकाल लेते हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर द सेम कलर एंड सेकेंड वन इज ओनली रेड बॉल्स आर ड्रॉन। आप देखो 5 रेड है, उसमें 4 ग्रीन है, तो मैं नहीं पता कि कौन सी सारी मिली हुई है, ठीक है। अब रेंडमली अगर उसमें से हम कोई सी 2 बॉल्स निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो देखनी है कि बोथ द बॉल्स आर सेम कलर, दोनों बॉल जो आ रही हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए, पहला केस है, पहला इवेंट। दूसरा है ओनली रेड बॉल, मतलब दोनों बॉल्स जो आई हैं वो रेड होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, किस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो देख लेते हैं। सो देखो बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 रेड है 4 ग्रीन है, इट मीन्स कि टोटल बॉल्स यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम फर्स्ट वाला केस लें तो फर्स्ट केस में क्या बोला है, दोनों ही केस में बोला है कि आपको 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि 2 बॉल्स निकालनी, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कि उनमें से हमें 2 को सेलेक्ट करना है कोई सी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गई। अब इस वजह से अगर हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, सो यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारा क्या आ जाएगा, एन सी आर, ठीक है। एन की वैल्यू 9 है तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन आर की वैल्यू 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, इट मीन्स कि ये हमारा आ जाएगा 9 × 8 अपॉन 2 × 1, ठीक है। सो इसमें हमारा जो सैंपल स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा 36, ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा 36 आ गया। अब हम देखते हैं इवेंट, तो इवेंट का यहाँ पर लगा लेंगे। सो फर्स्ट में क्या बोला है, दोनों बॉल्स सेम कलर की होनी चाहिए, इट मींस हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इवेंट होगा, सो देखो पहले वाले केस में बोला है 2 बॉल्स निकालनी, तो 2 अब वो उन 4 में से भी हो सकती है, 5 में से भी हो सकती है, तो 4 वाले में से हम 2 निकालेंगे, इट मींस 4C2 प्लस 5 वाले में से निकालेंगे 5C2, ठीक है। अब इसका लगा लेंगे, यहाँ पर देखो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कि कितना रिजेक्ट होगा एंड कितना सेलेक्ट होगा। अब देखो 4 थी 4 में से 2 निकालनी है, ठीक है, कोई सी भी 2 आ जाएंगी तो 2 बचेंगी, इसमें से कोई सी भी 2 निकालनी तो 3 बचेंगी, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 10, इट मींस कि ये इवेंट जो आया हमारा वो आया 16 का, ठीक है, इवेंट की वैल्यू आ गई 16 एंड सैंपल स्पेस भी हमने निकाल लिया। अब प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे इवेंट फर्स्ट की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ए वाला है, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब तो इतने क्वेश्चन हो गए, अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है, उसके बाद इवेंट निकालना है, फिर दोनों चीजों को लगा देना है डिवाइड में, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इवेंट का यहाँ आया 16 और सैंपल स्पेस का आया है 36, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.44, ठीक है। फर्स्ट वाले केस की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.44, ठीक है, क्लियर हो गया। देन देखते हैं सेकेंड इवेंट, ओनली रेड बॉल्स आर ड्रॉन, सिर्फ रेड बॉल्स आनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमें बोला था कि बोथ आर सेम कलर, दोनों बॉल्स जो होंगी वो सेम कलर की होंगी, तो उसमें हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बी वाला इवेंट, ठीक है, बी इवेंट। अब बी इवेंट का निकालेंगे, सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा, ठीक है, सैंपल स्पेस इसमें सेम रहेगा, बट क्या करना है, इवेंट हमें निकालना है। इवेंट कैसे निकालेंगे, देखो रेड बॉल कितनी बोली, ओनली रेड बॉल बोला है, ठीक, हाँ आ जाएगा हमारा रेड बॉल का 4C2, ठीक है। इसका अगर आप निकालोगे तो इसका 6 आ जाएगा, ठीक है, इवेंट जो आएगा वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इवेंट निकल के आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी लगानी, क्योंकि सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस हमारा सेम रहेगा, पीछे जो आया है सैंपल स्पेस वही रहेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट जो हम लगाएंगे वो बी वाले का लगाएंगे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लास्ट जो हमने निकाला है वही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो
तो यहां पर आया है हमारा 6 and 36। अब इसको अगर आप डेसिमल में करके डिवाइड करते हो तो इसका आएगा 0.16। ठीक है, 0.16 सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दो केस बोले थे, दो इवेंट बोले थे कि कोई भी बॉल हम निकालेंगे तो पहली तो बोला था कि दोनों सेम कलर के होने चाहिए, दूसरा बोला ओनली रेड बॉल आर ड्रॉन, सिर्फ रेड बॉल निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस का हमने निकाला, सेकंड का निकाला। आई होप प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो में हमने देखा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमने कई तरीके के क्वेश्चंस देखे। पहला वाला हमने देखा डाइस से रिलेटेड कि किस तरीके से हम डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देन सेकेंड देखा कॉइंस से रिलेटेड, एंड देन थर्ड देखा हमने प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट था हमारा बॉल से रिलेटेड। ठीक है, सो आई होप जितने भी पॉइंट्स है इसमें वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।